हाय, आज एक बहुत पुराना उपाय मैं बताऊंगी। ये उपाय मैंने अपने यहाँ काफ़ी जो हमारे बड़े लोग हैं उनको करते हुए देखा है, उन्हीं की गाइडेंस से आज मैं ये उपाय आपको बता रही हूँ। लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बरकत में दिक्कत हो रही है या पैसा आ रहा है या हमारी कोई दुकान है कपड़े की जूते की वो चल नहीं रही, इतनी दिक्कत है। देखिए, दिक्कत किस जिस हर बिजनेस में होती है, शुरुआत में या बीच में ऐसा टाइम आ जाता है जब दिक्कतें होती हैं। कुछ ऐसा आपके ग्रह नक्षत्रों का भी असर आता है कभी कभी कि वो दिक्कत आपको फेस करनी पड़ जाती है। लेकिन जो मैं आज उपाय बता रही हूँ ये आपके कर्मानुसार आपकी दिक्कत को सॉल्व करेगा। जितनी भी फ्री चीज़ें हम यूट्यूब के या अलग अलग माध्यम से देखते हैं वो फ्री नहीं होती, वो आपकी ऑरा बेस होती है। कोई भी चीज़ इस संसार में फ्री नहीं है, ये इस संसार का रूल है, ये आप सभी समझ लें। लेकिन जो भी हम तरीके बताते हैं यदि आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी ऑरा से मिलके अपने आप को की ऑरा को ढाल लेते हैं और अपना रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। उसी में से आज एक बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी कि पीपल के पत्ते से आप धन को कैसे आकर्षित करेंगे या धन वर्षा कैसे करेंगे। आज मैं उपाय वो आपको बता रही हूँ। देखिए, एक ऐसा साफ सुथरा आप पीपल का एक पत्ता ले लीजिए। देखिए, मैंने ले रखा है, बिल्कुल साफ है, कोई दाग नहीं है। डंडी इसकी इस तरीके से अवश्य हो, थोड़ी लंबी, नीचे से देखिए एक लंबा है, बिल्कुल साफ। ये मेरे घर में ही पीपल का जो पेड़ है मैंने उससे लिया है, आप चाहें तो कहीं से और से भी ले सकते हैं जहाँ से आपको, लेकिन साफ होना चाहिए, कोई दाग धब्बा या कोई इस पर बना नहीं होना चाहिए। बस ये आपको ध्यान देना है इसमें समय, या पीला पत्ता हो, इतना बड़ा पेड़ होता है आप या छोटे पेड़ होते हैं आप उससे इजीली निकाल सकते हैं, किसी बड़े वृक्ष से हो तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, बस साफ़ सुथरा हो। कभी कभी क्या होता है वृक्ष से इस समय खुद भी गिर जाते हैं, अगर नीचे गिरे हों तो भी आप उठा सकते हैं, पर तोड़ेंगे तो ज़्यादा आवश्यक होगा। ये डंडी थोड़ी लंबी हो इसका आप ध्यान रखें। यहाँ से भी देखिए, इस तरह से पीपल की थोड़ी लंबी होती है, पीपल का पत्ता पहचान लीजिए आप, किस तरह की आपको कोई दिक्कत ना हो उसे खरीदते समय या लाते समय, जहाँ से भी आप लें बहुत ईजिली मिल जाता है और सब पहचानते हैं। इसके ऊपर आपको रेड पेन से या आप रोली से जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप इसको ले आइए, आप इसको धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए अच्छे से पानी में लाके, पहले साफ से मैंने बिल्कुल क्लीन कर रखा है, बिल्कुल कोई दाग नहीं है, से बिल्कुल क्लीन कर लीजिए और इसको रख लीजिए। किसी भी दिन आप ला सकते हैं, अगर आप शुक्र शनिचर कर रहे हैं तो बेस्ट है। बृहस्पतिवार का थोड़ा परहेज मैं रखती हूँ कि आप बृहस्पति का परहेज रखें, बाकी दिन का कोई परहेज नहीं है। आप किसी भी दिन किसी भी समय महीने में कोई भी दिन आप कर सकते हैं, अगर बृहस्पति का भी आप नहीं करना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, मैं थोड़ा मान के चलती हूँ। अब जैसे मैंने शुक्रवार को सपोज ये पत्ता ले लिया, एग्जांपल दे रही हूँ आप समझ रहे होंगे, और शनिवार को मुझे करना है, शुक्रवार को मैं ये ले आई हूँ या शनिवार मैंने ये ला के घर में रख लिया है। अब मैं इस पत्ते को साफ सुथरा इसको धो के गंगा जल में बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैंने कर लिया है। एक रेड पेन लेना है, रोली या कुछ भी आप ले सकते हैं, और उस पे आपको लक्ष्मी जी का एक वो है मंत्र श्रीम, ये लिखना है। देखिए मैंने साफ बिल्कुल लिखा है, आपको दिख रहा होगा रेड कलर से मैंने इसमें लिख लिया है, मार्कर से मैंने रेड मार्कर का, या आपके पास स्केच पेन हो रेड, कुछ भी आप यूज़ करते हैं रेड होना चाहिए, ये लिख लिया। अब आप पूजा करते हैं, आप पूजा स्थान में बैठे हैं, वहाँ धूप दीपक जलाइए और जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे देवी माता हो, चाहे आप भोलेनाथ को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं या उनका ना कोई और कास्ट के हैं, आप वहाँ उनकी तस्वीर, आपके गुरु की तस्वीर ही रखी है, कोई भी आपके गुरु फादर हों, आपका कोई भी आपके हों, आप वहाँ जाइए। और अब जब ये आप लिख रहे हैं तो इसको आपको अपनी इच्छा के अनुसार आपको यहाँ रखना है, और अब आप इसको साफ सुथरे पत्ते को लेकर अपनी इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है इस मंत्र के साथ, ये बहुत पुराना मंत्र है, साफ सुथरा होना इसमें बहुत ज़रूरी है आपका, अपनी नीटनेस का ज़रूर ध्यान रखें, नहा धोकर ही सुबह ये करना है आपको, ये नहीं कि शाम को नहा के मैं बैठ जाता हूँ दोपहर को, नहीं,
कोई भी काम आलस्य से नहीं होता, वो आपको त्यागना पड़ेगा। साफ सुथरा आपने नहाने का ही नहीं है, 12 बजे नहा रहे हैं तब बैठ के कर रहे हैं, नहीं, 12 बजे से पहले ही रखना है और साफ सुथरे होने का ध्यान रखना है, क्योंकि ये काम बहुत साफ और पवित्रता का है, ये आप ध्यान रखें। गंदगी करेंगे ये रिजल्ट नहीं देगा, या मैनिफेस्ट नहीं होगा, या आपको कुछ और कोई कारण आपका आ जाए तो मैं नहीं कह सकती। साफ सुथरा होने का ध्यान रखना है और इसको अपने प्रभु के चरणों में ऐसे रख देना है, या आपके इष्ट के चरणों में आगे रख देना है कि भाई मेरी लक्ष्मी की कृपा हो, वहाँ रहने देना है। और हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए। और आप जैसे आपने शनिवार को रखा, आप रखे रहने दीजिए, और इतवार को आपको या तो इसको बहते जल में आपको प्रवाह करना है, या आप किसी मंदिर में जाइए और मंदिर में वहाँ पर जाके इसको रख दीजिए, या आप जो भी जगह, अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं, कोई और आप बिलोंग करते हैं, तो आप जल में या समुद्र में आपको इसको प्रवाह करना है। आप चाहें तो इसे इकट्ठे कर लीजिए, मान लीजिए वन से ना आप जाते हैं, आपको वीकली करना है, तो उसको एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें इकट्ठे करिए, 2, 4, 5 आपने कर लिया, और महीने में एक बार जाके सब कुछ आपको नदी में या आपको सी में या जो भी ऐसी जगह जहाँ पानी बहता हो वहाँ आपको समर्पित करना है। किसी का पैर नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि बहुत पवित्र है, और जो भी आप सामने रख रहे हैं आप उसको वहाँ रहने दीजिए। जब आप दूसरा रखें तब आप इसको हटा लीजिए, जैसे आप मान लीजिए आप अगले दिन फिर आप कर रहे हैं, आप रखें तो उसको रखा रहने दीजिए, अगले दिन आप दूसरा रख लीजिए। अगर आप एक ही बार कर रहे हैं तो बस रहने दीजिए 5 दिन 7 दिन, और इसको आप उठाइए, प्रार्थना कीजिए, और इसको वापस बहते जल में प्रवाह कर दीजिए, या आप मंदिर में आप रखाइए, जो आपकी कन्वीनियंट अनुसार आपको ठीक लगे। इस तरीके से आपको ये पीपल का पत्ता काम में लाना है। ये बहुत पुराना उपाय है, ये मेरा नहीं है, पर बहुत पुराने लोग हैं जो कि मुझे बताते रहते हैं, उन्हीं ने मुझे ये सजेस्ट किया। ये धन वर्षा के लिए है, प्रॉस्पेरिटी के लिए है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। ग्रीन कलर होने के कारण मैनिफेस्ट ये मनी को कर रहा है, रेड होने के कारण ये अट्रैक्ट कर रहा है। ये दोनों रेड और आपका ग्रीन कलर अगर आप इसको देखें तो आपके हार्ट चक्रा और आपके सबसे मूलाधार चक्र दोनों पर भी काम कर रहा है। ये भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने पीपल का पत्ता क्यों लिया। पीपल के पत्ते में लक्ष्मी और विष्णु जी का भी वास होता है, वो एक पूजनीय पेड़ है, इसके कारण भी ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें हमारी सहूलियत के लिए हमको दी हैं, और ये सारी चीज़ें यदि हम डेली अपना प्रयोग करते हैं या अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं। जो मैंने बातें बताई हैं उनका ध्यान रखना है, साफ सुथरा होकर ये काम करना है, इस बातों का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिविटी किसी घर में ज़्यादा है, उस घर में बहुत कलेश रहता है, आप शांतिपूर्वक ये काम कीजिए। अगर सामने लोगों को पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, उस इष्ट के आप पीछे उस चीज़ को रख दीजिए कि किसी का हाथ ना लगे, कोई गंदा हाथ ना लगाए या फेंका फाकी ना करे। इन छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आज मैंने आपको बताया है कि पीपल के पत्ते से आप कैसे धन को या धन वर्षा को स्थापित कर सकते हैं, और इस पर एक और बनाऊंगी जो उन लोगों के लिए जो गले में बैठते हैं, तो आप वो भी किस तरीके से अपनी जो बिजनेस है या अपने अपना ऑफिस है वहाँ कैसे बरकत पा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।